सो गाइज नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत। देखिए साथियों, आज का ये न्यूज़पेपर है, आप देख सकते हैं जयपुर 4/10/2022 की न्यूज़ है। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ रहने वाली है और विशेषकर नर्सिंग से संबंधित जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है और ANM और GNM वालों के लिए तो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी जो 2013 की भर्ती है वो तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उनके लिए अब दीपावली का तोहफा मिलने वाला है। पहली बार परीक्षा से होगी असिस्टेंट रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और ANM के 3100 शब्दा पदों पर भर्ती। सरकार ने असिस्टेंट रेडियोग्राफर 1015, लैब टेक्नीशियन 1047, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 1155 पदों पर भर्ती करने को मंजूरी दे दी है। अब चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने राजस्थान इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट को इन 3100 शब्द पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थी भेज दी है। लिखित परीक्षा के जरिए भर्ती होगी। अब सिर्फ RCM की ओर से विज्ञप्ति जारी करने के जा रहे, दीपावली से पहले युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा मिल जाएगा। असिस्टेंट रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के पदों पर आवेदन करने वालों को राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर कराना अनिवार्य है। भर्ती के दौरान काउंसिल में फर्जी रजिस्ट्रेशन और संस्था में कोर्स वाले विशेष पर नज़र रहेगी, क्योंकि दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से पैरामेडिकल कोर्स कराने वाले गड़बड़ी का अंदेजा होने की संभावना रहती है। देखिए, इधर सेवा नियम बने, लग सकेगी सरकारी नौकरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्तमान में किस भर्ती में कितने पद रिक्त हैं। देखिए, लैब टेक्नीशियन 840, असिस्टेंट रेडियोग्राफर 1138 और 5791, महिला स्वास्थ्यकर्ता अब तक रिक्त पद है। 10 साल में ये 4 बार भर्ती हुई है, यहाँ देख सकते हैं। और RCM को असिस्टेंट रेडियोग्राफर 1015, लैब टेक्नीशियन 1047, 1155 ANM के अभ्यर्थी भेज चुकी है। अब RCM विज्ञप्ति जारी करेगा, सुरक्षण और निर्देशक चिकित्सा विभाग ने बताया है। तो यह बहुत बड़ी न्यूज़ है ANM और नर्सिंग वाले बाकी सभी विद्यार्थियों के लिए जो काफ़ी दिनों से इंतजार करते हैं वैकेंसी का। तो अब यह आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी, तो बताना भी ज़रूरी था। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।